वेलकम टू माई चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड टूडे हम लोग लास्ट लेसन जो आपका चैप्टर है उसको फुल ऑन कंप्लीट कर लेंगे बेसिकली आई एम सिमरन सहानी एंड मैंने अपने चैनल पे क्लास ट्वेल्थ की फुल इंग्लिश कम्प्लीट करा दी है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोज आ दी है जिसमें आपको सिर्फ समरी नहीं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल रहा है और वो भी बहुत कम टाइम में ऑलमोस्ट फिफ्टीन मिनट्स की वीडियो में मैं आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो यू ऑल नो दैट सारे लिंक्स गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सारे चैप्टर्स पहले जाके पढ़ लो पंद्रह मिनट की वीडियो चैप्टर क्रिस्टल क्लियर एन टच भी मत करना उसके बाद मैंने सीरीज ऑन करी है इंग्लिश के रिविजन बैच की जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर का ईच एंड एवरी चैप्टर अगर आपके बार आपके दस पंद्रह चैप्टर आ रहे हैं आप लोग है, अगर आए मतलब अभी मुझे काउंटिंग नहीं आता है आपके जितने भी चैप्टर आ जाए एक के हम लोगों ने सबसे पहले करा है एम क्वेश्चन बिकॉज पेपर करे शॉर्ट और लॉन्ग का मिक्सचर ठीक है प्रोवाइड करते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आज ही लास्ट लेसन की फोर्थ लास्ट वीडियो है इसके बाद लास्ट लेसन आपका फुली कंप्लीट है अगर आपने ये चार वीडियो देख ली टेन टेन मिनट्स की तीन वीडियो और एक वो पंद्रह मिनट वाली बस फोर्टी फाइव मिनट्स के अंदर आपका लास्ट लेसन कंप्लीट हो जाएगा ओके तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं लास्ट लेसन के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड अगर आपने इनको आंसर कर लिया तो विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एक एक्सट्रैक्ट का बस फॉर्मेट पता होना चाहिए बिकॉज तुमने तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में से अगर चैप्टर पढ़ा है यू कैन आंसर एनी एक्सट्रैक्ट प्लस एमसीक्यू में भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं ओके तो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन को तो लेट स्टार्ट ठीक है तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई स्टार्टेड स्कूल डैश 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 It was tempting dash 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 ruler participles dash 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 to school. ये है हमारे लास्ट लेसन का फर्स्ट पैरा आप कह सकते हैं फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जो आज हम करने वाले हैं। ये वो बात हो रही है जब फ्रांस जो हमारा छोटा बच्चा है हमें बताता है जब उसे स्कूल जाना होता है उसे देर हो रही होती है स्कूल जाने के लिए बट उसको स्कूल जाने का मन नहीं करता जैसे तो यूजुअली हम लोगों का होता है ना हम कहते हैं यार मज़े करेंगे यार आद मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने का हम बाहर निकलते हैं रोड पे देखते हैं लोग घूम रहे होते हैं मजे कर रहे होते हैं और हमें स्कूल जाना तो होता है तो एक्जैक्टली हो रहा होता है फ्रांस के साथ उसे एकदम से आता है यार आ तो टेस्ट भी है पार्टिसिपल का और मैं पढ़ा भी नहीं हूँ तो ये सब सोच के वो परेशान होता है तो इस पर आपका एक्स्ट्रैक्ट है ये ठीक है तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ आई इन द अबव लाइन तो आई कौन है फ्रांस है बिकॉज ही सेट आई स्टार्टेड स्कूल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज एम हैमिल लाइकली टू क्वेश्चन अबाउट अब एम हैल कौन है एम हैमिल है उनके क्लास टीचर फ्रांस के दिस इज तुम्हारी क्लास टीचर होते हैं और आज फ्रांस का स्कूल में टेस्ट था टेस्ट में क्या पूछना था उन्होंने पार्टिसिपल्स का उसका टेस्ट था ये आपको एक्सट्रैक्ट में दिखाई दिया जाएगा और बेसिक चीज़ है ये चैप्टर की हमें पता है ठीक है वट टेम्पटेशन स्पीकर हैड अब यहाँ पे वो बताता है इट वॉज टेम्पटिंग

तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट एक्सट्रैक्ट कंप्लीटेड अब आते सेकेंड एक्सट्रैक्ट पे आई हर्ट एम हैमल से टू मी आई वॉन्ट स्कोर यू डैश डैश कम आउट अब ये वो आज सिनेरियो है अब एम हैमिल खड़े करते हैं फ्रांस को कहते हैं चैप्टर रीड करो वो चैप्टर को रिसाइट नहीं कर पाता बिकॉज ही डोंट नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली ही डज नो अबाउट द पार्टिसिपल्स ही रेन डिड हिज होमवर्क एंड ही वॉज नॉट गुड इन स्टडीज और अब उनका लास्ट लेसन था जैसा कि हमें पता है उसके बाद कभी उन्हें फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी तो आज के दिन पे एम हैमिल फ्रांस को नहीं डांटते वो कहते हैं दैट टुडे आई वॉन्ट स्कोल्ड यू तो ये वो वाला एक्स्ट्रैक्ट है आपका ठीक है हु इज स्पीकर ऑफ अबव एक्स्ट्रैक्ट

वो लेसन रीड नहीं कर पाया बेसिकली तो उन्हें डांटना चाहिए था बट आज के दिन वो उसे नहीं डांटने वाले थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वर्ड इन एक्सट्रैक्ट मीन्स लॉट ऑफ लॉट ऑफ यहां पे वर्ड आएगा आपको ऐसे सिनोनियम्स आएंगे लाइक लॉट ऑफ का मतलब क्या एक्सट्रैक्ट में से सब एक्सट्रैक्ट में ढूंढोगे तो जहाँ आपको प्लेंटी वर्ड मिलेगा वो होगा मैंने पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं लिखा है आ, हमार को एम हेमिल बनाते हैं दैट वी डोंट डू आर वर्क वैन वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू सो यानी कि जब हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा होता है जैसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में दो महीने तो तुम सोगे आखिर के पंद्रह दिन बचेंगे तो तुम पैनिक करोगे तो यही चीज़ कहते हैं एम हामिल न वी है प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू समर्क वी डोंट डू इट तो यहां पर प्लेंटी लिखा होगा आपके एक्सट्रैक्ट में अब आपको क्वेश्चन में आएगा विच वट इन द एक्सट्रैक्ट मीनस लॉट ऑफ तो लॉट ऑफ मतलब प्लेंटी ऐसे सिनोनियम वाला क्वेश्चन जरूर आएगा एक्स्ट्रैक्ट में ठीक है डन विद टू एक्सट्रैक्ट अब थर्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं टाउन हॉल डेयर वट कैन आई बी वट कैन बी दिचुएशन ये आपका एक्स्ट्रैक्ट है तो फर्स्ट वेयर वॉज आई गोइंग टू तो आई भाग के कहा जा रहा होता है स्कूल जा रहा होता है हमारा आई मतलब फ्रांड्स ठीक है एंड वट ऑर्डर डिड द डिस्प्ले बोर्ड डिस्प्ले ऑर्डर क्या लगा हुआ था डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर ऑर्डर लगा हुआ था दैट द ऑर्डर एड दैट फ्राम टमोरो ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल यानी कि कल से स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी अब ये ये वाला ऑर्डर बिना पढ़े फ्रांस स्कूल भाग जाता है क्योंकि उसे लेट हो रही होती है ठीक है वाई डिड आई नॉट स्टॉप टू रीड अब वो बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़ पढ़ने के लिए क्यों नहीं रुकता है वो इसलिए नहीं रुकता है बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी लेट फॉर द स्कूल वो बहुत लेट हो गया होता है स्कूल के लिए इसलिए वो कहता है कि यार अब मैं ना देखता नहीं हूँ जाके मेरे को और लेट हो जाता तो भागता हुआ स्कूल चला जाता है ठीक है थ्री ऑफ द एक्सट्रैक्सन और तुम्हें बहुत आसान लगता तो हूँ तुम सोचो कि दीदी तक -दी एक्सप्लेन करिए मैं तो आता है इसका आंसर क्यों आता है बिकॉज आपने डिटेल एक्सप्लेशन पढ़ा है इसलिए आपको ये आंसर्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बट नाउ इट वॉज सो स्टिल डैश 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 संडे मॉर्निंग आप सब कुछ बहुत स्टिल लग रहा था जैसे ही फ्रेंड स्कूल पहुँचते यूजली स्कूल में होती ना डॉक्टर ये हो रहा होता है स्कूल के अंदर बच्चों की बाजी कुछ भी नहीं था बिल्कुल नम साइलेंस बिल्कुल ही संडे मॉर्निंग जैसा लग रहा था अब ऐसा क्यों लग रहा था वो तो हमें पता है चैप्टर में हु इज द स्पीकर कौन कहता है ये फ्रांस कहता है वेयर हैड द स्पीकर रिच कहाँ था वो अपने स्कूल पहुंचा था वाई वर एल्डर्स सिटिंग इन द टाउन वो देखता है जैसे वो स्कूल पहुँचते वो देखता है एल्डर्स जो थे वो पीछे बैठे हुए थे कहाँ बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे ठीक है तो वेयर वर द एल्डर्स सिटिंग इन वेयर लिखना है मैंने आई एम सॉरी ठीक है तो कहां बैठे थे एल्डर्स बैक बेंचेस पे अब क्यों बैठे थे वी ऑल नो दैट बैक बेंचेस केम देयर टू शो रिस्पेक्ट टू एम हेमिल की उन्होंने इतना समय स्कूल को दिया था और कल से एम हेमिल जी नहीं पढ़ा सकते थे इनके स्कूल के अंदर जर्मन और वो विलेज छोड़ के जाने वाले थे ठीक है तो ये आपका हो गया फोर्थ एक्सट्रैक्ट में अब फिफ्थ एक्सट्रैक्ट पे आते इट वॉज बिकॉज डैश डैश कंट्री दैट वॉज नीदर ये वो लाइन है जिसमें जो हमारा सीन पता चल गया है कि आज के बाद इनके स्कूल में जो फ्रेंच है वो नहीं पढ़ाई जाएगी तो ये वो वाला सिनेरियो है हु इज़ रेफर्ड एज दे ठीक है यहाँ पे वो वाला सीन है जब फ्रांस कहता है कि अच्छा मैं समझाऊँ कि ये लोग दे दे मतलब जो एल्डर पीपल्स हैं वो इसलिए आए हैं बिकॉज ये एम हैमिल को उनकी जो सर्विस है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे आए हैं बिकॉज वो कंट्री जो है अब इनकी जो इनकी जो कंट्री है फ्रांस अब वो इनकी नहीं रही है बिकॉज जर्मनस ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया ठीक है हु इज़ रेफर्ड एज दे दो एल्डर पीपल सिटिंग एट द बैक बेंचेज आर रेफर्ड एज दे इट वॉज बिकॉज दे वर लिविंग इन द कंट्री दैट वॉज नॉट देयर एनी मोर फॉर हाउ लॉन्ग हैड एम हैमल वर्क इन द स्कूल कितने साल तक वर्क उन्होंने करा फॉर्टी ईयर्स और एक चीज़ था इंग्लिश में आप लोग बहुत ध्यान रखना कभी अगर फोर्टी थर्टी फिफ्टी सिक्सटी कुछ भी स्पेलिंग लिखने की आई है और अगर आपने ऐसे लिखा है तो यू विल गेट गाई जीरो मार्क्स आपको हमेशा ऐसे लिखनी है स्पेलिंग ठीक है अगर आपको हंड्रेड लिखने को आया है तो आपको एच ई एन डी आर ई डी लिखना है अगर आप ये लिखोगे तो यू विल नॉट गेट मार्क्स दिस इज अ बेसिक इंग्लिश रूल जस्ट रिमेंबर इट फॉर योर लाइफ टाइम ठीक है वाई देयर कंट्री वॉज नॉट देयर्स एनी मोर अब फ्रांस कहते हैं ना इट वॉज द कंट्रीट वॉज नॉट देर एनी मोर अब ऐसा क्या हो गया था कि उनकी कंट्री उनकी ही नहीं रही थी बिकॉज जर्मस डिड्स इन द वॉर जब जर्मन ने वॉर में हरा दिया था फ्रांस को तो इसलिए उन्होंने उनकी कंट्री को कैप्चर कर लिया लिंग्विस्टिक शॉवनिज्म करा अपनी अपनी भाषा भी उनके ऊपर जबरदस्ती यू कैन से दैट डोमिनेट करने लगी कि फ्रेंच नहीं बोलेंगे वो जर्मन बोलेंगे जर्मन पढ़ेंगे ठीक है लास्ट एक्स्ट्रैक्ट है अभी आपका हाउ इट मस्ट है वॉइस इज़ कमिंग फ्रॉम अप ये वो वाला अला है फ्रांस बैठा हुआ था और ऊपर से ट्रंक्स के हिलने के बाद आते थिंक सो तो तुमने याद होगा ये सीन मैंने चैप्टर में डिटेल वे में पढ़ाया तो इसलिए वहाँ पे जाके तुम पढ़ोगे तो तुम्हें एक एक कॉर्नर कॉर्नर से डिटेल मिलेगी चैप्टर की ठीक है तो ये वो सीन है फ्रांस को ऊपर से ट्रंक्स हिलने की आवाज़ आती है और फ्रांस को लगता है क्या हुआ है ऊपर तो उसे समझ में आता है कि जो एम हेमिल है उनकी जो सिस्टर है वो उनके कपड़े पैक कर रही है उसे परेशानी होती है कि वाह यार ये जो मेरे टीचर हैं इतने सालों से हमें पढ़ा रहे हैं एंड सडनली एक दिन इन्हें मैसेज आ गया और इन्हें अपना सामान पैक करके स्कूल छोड़ के विलेज छोड़ के जहाँ ये चालीस सालों से रह रहे हैं जाना पड़ेगा तो ये वो उसको इमोशनल ये वो वाला पैराग्राफ है ठीक है हु आर दे दे कौन है एम हेमिल एंड हिज सिस्टर ठीक है एम हैमल और जो उनकी सिस्टर है उनके बात कर रहा है ये क्योंकि दोनों ही तो जाएंगे ठीक है वाई इज एम हैमल्स हार्ट ब्रोकन उनका हार्ट इसलिए ब्रोकन है बिकॉज ही हैज टू लीव द स्कूल एंड द विलेज नेक्स्ट डे विलेज और स्कूल दोनों छोड़ के उन्हें अगले दिन चले जाना था वाई वाई डू दे हैड टू लीव द कंट्री अब उन्हें क्यों छोड़ के जाना पड़ा था स्कूल को बिकॉज जर्मन वुड बी टॉट द नेक्स्ट डे अब जब जर्मन पढ़ानी थी तो एम हैमल की जरूरत ही नहीं थी स्कूल के अब तुम्हारे स्कूल के अंदर हिंदी पढ़ाई जाती है अब कल को कह दिया हिंदी नहीं पढ़ाने देंगे तो हिंदी वाली मैम क्या करेंगे स्कूल के अंदर उनको निकाल दिया जाएगा तो एग्जैक्टली दिस हैपन ठीक है हु इज पैकेजिंग पैकेजिंग द ट्रंक्स ट्रंक्स कौन पैक कर रहा था ऊपर तो एम हैमिल की सिस्टम ठीक है तो ये कुछ छह एक्सट्रैक्ट हमने कर लिए है बहुत बेसिक अब अगर आप एक्सैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करना चाहो तो चैप्टर के हर एक लाइन में से एक्सट्रैक्ट बनता है ठीक है बट ये जो हमने यहाँ पे क्लिम्पस ले लिया है इसके थ्रू आप कोई भी चैप्टर का कोई भी एक्सट्रैक्ट आ जाए विल बी एबल टू आंसर इट बिकॉज डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लो एक एक आंसर आप निकाल लोगे एम पढ़ो लो, आप एक आंसर निकालोगे बस आप लोग घबराओ ना एकदम से एक्सट्रैक्ट को देख के थोड़ा आपको समझ में आ जाए प्लस आपको एम सी क्यू मिल रहा होगा तो और ईजी होने वाला है ठीक है तो दैट्स वाई आई मेड यू दिस एक्सप्लेनेशन वीडियो होप यू लाइक डिट अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ टेल मे डाउन इन द कमेंट सेक्शन यस दीदी आप आगे के चैप्टर्स के भी ऐसे ही बना दो ओके okay. तो लेट्स सी फोर शॉर्ट क्वेश्चन दिस इज काइंड ऑफ अ होमवर्क फॉर यू गाइज इफ यू आर फ्री टू जस्ट डू दिस क्वेश्चन और जस्ट रिमाइंड दिस आंसर इन योर माइंड अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये वाला चैप्टर आता है अगर नहीं आते हैं तो जल्दी से डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लो ठीक है तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज और ये आंसर सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी थोड़ी देर बाद सो दैट यू कैन अगर तुम्हें आंसर नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम ईजिल इनको लर्न कर सकते हो ठीक है तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट कैन बी द मैटर नाउ वाई फ्रांस मेड दिस कमेंट आप

जब हमारे को कोई चीज़ मिलती है तब हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं जब हम उसे खो देते हैं तो हमें उसकी वैल्यू पता चलती है तो ये आंसर्स आप करो इनको आप लर्न करो आई एम गेटिंग अ साइड टेक द स्क्रीन शॉट सो ऑल द क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट इंग्लिश में लगानी है तुमने पेपर में आग किससे अपने पेन से और सौ नंबर इंग्लिश का हर एक बार चले आएगा बिकॉज आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन इज देयर एम सी क्यू देयर एक्ट्रैक्ट इस दियर लॉन्ग एंड शॉर्ट इज देर इन साइड क्वेश्चन आर देर प्लस राइटिंग स्किल चल रही राइटिंग स्किल की पेलिस डाल रही हूँ राइटिंग स्किल कंप्लीट करा दिया मैंने जल्दी जाकर पढ़ लो ठीक है प्लस आप लोगों को डेली बेसिस में इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करी इंपॉर्टेंट नोट्स मैं हैंड रिटन प्रोवाइड करने वाली हूँ आप लोगों को उसका अपडेट तो मैं मिल जाएगा प्लस अगर तुम तो इंस्टाग्राम यूज़ करती हो तो इंस्टाग्राम पर मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए है गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड गेट ऑल द स्टडी मटीरियल देर फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको टेक द स्क्रीन शॉट्स एनफ हो जाएगा अगर आपने वो वाले भी बस कर ली व्यू एल फुली प्रिपेयर फॉर योर योर्ड एग्जाम्स ओके okay? तो लेट्स इन द वीडियो बेस ऑफ लक गाइड्स एंड अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी पॉलिटिकल साइंस इको हिस्ट्री जोग्रफी सोशलॉजी साइकोलॉजी क्लास टेंथ एस हिस्सि इंग्लिश ई जने भी सब्जेक्ट इज देयर ऑन माई चैनल सो तो गो एंड स्टडी आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो